नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूं नाज़िम मानुशेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। शादी का मौसम चल रहा है और इस दौरान हर कोई खुशियां मना रहा है, लेकिन इस खुशियों के बीच एक खतरनाक साजिश भी चल रही है जो एक क्लिक से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये है शादी के कार्ड के नाम पर चलने वाला एक नया साइबर फ्रॉड जो एक क्लिक से आपके पूरे बैंक अकाउंट को यूं खाली कर सकता है। ये नया स्कैम साइबर अपराधियों का तरीका है जो अब शादी के कार्ड के बहाने आपके फ़ोन में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ये शादी का कार्ड है क्या और कैसे स्कैमर आपके बैंक खाता को साफ कर सकता है। हाल ही में एक चेतावनी जारी की गई है और यह कहा गया है कि साइबर क्रिमिनल्स अब व्हाट्सएप के जरिए आपके बैंक अकाउंट से और आपके इन्फॉर्मेशन से छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, इनमें एक छोटा सा छिपा हुआ खतरा है। ये मैसेज आपके व्हाट्सएप पे जाएगा और अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो आपका डेटा हैक हो जाएगा और इसे डाउनलोड करते ही आपका पूरा अकाउंट खाली। दरअसल साइबर अपराधी आपके फोन का डेटा चुरा लेते हैं और फिर आपके फोन नंबर से फर्जी मैसेज भेजते हैं जिसमें पैसे की मांग की जाती है, और इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट तक भी ये हैकर्स पहुंच सकते हैं और आपके सारे पैसे निकाल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक छोटी सी गलती हो सकती है? लेकिन एक बार जब ये फाइल डाउनलोड हो जाती है तो समझिए कि आप इनके जाल में फंस चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको ऐसे खतरनाक ट्रेंड से बचने के लिए कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आप अपने फोन के पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने डेटा को संभाल करके रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपको अनजान नंबर से कोई भी शादी का निमंत्रण या कोई भी फाइल मिलती है तो उसे डाउनलोड ना करें और कोई भी ऐसी फाइल बिना सोचे समझे फॉरवर्ड भी ना करें। अगर कोई आपको वीडियो या लिंक भेजे तो उसे खोलने से पहले अच्छी तरह से सोच और समझ ले। आखिरकार ये सभी के लिए एक जरूरी संदेश है, शादी के मौसम में खुशियां मनाइए लेकिन साथ ही साथ सावधानी भी बरतते रहिए। एक छोटी सी गलती आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। तो अगली बार अगर आपके फोन पर कोई शादी का कार्ड या कोई भी अन्य मैसेज आए तो उस पर एक बार फिर से सोचना जरूर। और बात सिर्फ बैंक अकाउंट डिटेल्स की नहीं है, बात सिर्फ आपके पैसे की नहीं है, बात यह है कि अगर आप उन फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो साथ ही साथ आपका पूरा डेटा हैक हो सकता है। सावधान रहे, सतर्क रहे। मैं नाज़िम मानुशेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक, जस्ट जर्नलिज्म।